दिल में संजो कर रख लो, गले में बांध लो माला बनकर। दिल में संजो कर रख लो, गले में पहन लो माला बनकर। विपत्ति के समय में तुम्हारा दिलासा वचन प्रभु का। विपत्ति के समय में तुम्हारा दिलासा वचन प्रभु का। दिल में संजो कर रख लो, गले में पहन लो माला बनकर। दिल में संजो कर रख लो, गले में पहन लो माला बनकर। मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 9 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 25 और 34 से 43 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन तुझे ग्राह्य हों। आजर्या अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर, अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इसराइल को स्मरण कर, अपनी कृपा दृष्टि हम पर से दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो ना राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि और ना धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और विनम्र मन मेढ़ों तथा सांडों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हों। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से 35 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, यदि तुम हर एक अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा तो पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। पेत्रुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया।
अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दीं। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, हम अपने जीवन में तरह तरह की प्रार्थना करते हैं, जैसे स्तुति, धन्यवाद, मेल मिलाप एवं निवेदन प्रार्थना इत्यादि। इन सभी प्रार्थनाओं में एक अजीब सी शक्ति छिपी हुई है जिसके माध्यम से हम ईश्वर के करीब आकर उससे बातें करते हैं, प्रभु को अपना सुख दुख सुनाते हैं। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना है और यदि हमारा विश्वास गहरा है तो प्रभु हमारी प्रार्थना जरूर सुनता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दिखावे की प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना से प्रभु खुश नहीं होता। इसके अलावा हम अपनी कमजोरियों के कारण प्रभु के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि हम में बुरी आदत है जो प्रभु की कृपा से वंचित करती है। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। हमें मालूम है कि गलती या पाप करना आसान है, लेकिन इस पापमय जीवन से एवं बुरी आदतों से बाहर निकलना कठिन लगता है। इसलिए हम अपने दैनिक जीवन में सतर्क रहें। जी हाँ, छोटे छोटे पापों से जैसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जलन, झूठ आदि पापों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ हमें बड़ी गलतियाँ करने के लिए प्रेरित करती हैं। अतः हर प्रकार के मौकों से हमें दूर रहने की जरूरत है। आज के पहले पाठ में हमने आचार्य की प्रार्थना को सुना। आचार्य की यह प्रार्थना संकट के बीच में ईश्वर के मुक्ति कार्य और उसकी शक्ति की याद दिलाती है। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, जो व्यक्ति ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह ईश्वर के मार्ग पर चलता है, वह ईश्वर की आज्ञा अनुसार आचरण भी करता है तथा संसार की बुराइयों एवं संकटों से लड़ता है। ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास होने के कारण वह अपनी मृत्यु की भी चिंता नहीं करता है। नबी दानियल के ग्रंथ को पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि
कि ईश्वर भक्त शद्रक मेशक और अबेदनगो जो अजरिया के नाम से भी जाना जाता है, वे बाबुल निर्वासन के समय राजा नबूकदनेजर के अधीन थे। राजा नबूकदनेजर अपनी प्रजा पर कई प्रकार की अत्याचार किया करते थे। एक बार उसने सभी अधिकारियों को बुलाकर सोने की बनाई मूर्ति को दंडवत करने का आदेश दिया। उसने अपने राजाज्ञा में कहा था कि तुरही और तंबूरा की आवाज़ सुनते ही सभी लोग मुंह के बल गिरकर उस सोने की मूर्ति का आराधना करें, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे धधकती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन ईश्वर भक्त शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा के आदेश को ठुकरा दिया और वे धधकती आग में डाल दिए गए थे। लेकिन ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है, ईश्वर का दूत उन्हें आग से बचाता है। उस घटना को देखकर राजा नबूकदनेजर ने अपने राज्य में घोषणा किया कि सभी लोग इसराइल के ईश्वर की उपासना करें, क्योंकि उसके जैसा महान और शक्तिशाली ईश्वर और कोई नहीं है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और समर्पण की प्रार्थना के बल पर ही ईश्वर ने इसराइली नेताओं और संपूर्ण इसराइली जनता की रक्षा की। इसलिए हमें भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, ताकि अपने जीवन के संकटों में दृढ़ बने रहें और अपने तथा दूसरों के जीवन की भी रक्षा करें। प्यारे मसीह विश्वासियों, जब हम अपनी आँखें ऊपर उठाकर क्षितिज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर का प्रेम, दया एवं क्षमा की कोई सीमा नहीं है। इस बात को ईसा मसीह आज के दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। हम मनुष्य जाति दया और क्षमा की आशा दूसरों से तो करते हैं, पर खुद में इसकी कमी पाते हैं। लेना या पाना सबको अच्छा लगता है, किंतु महानता तो देने में ही है। जो जितना लोगों को देना जानता है उसको उससे दोगुना मिलता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक राजा ने अपने सेवक को 10,000 रुपये का ऋण दिया था। कर्जदार के बार बार याचना करने से राजा उसका बड़ा कर्ज माफ करता और छोड़ देता है। दुख की बात तो यह है कि माफी को प्राप्त करने वाला कर्जदार अपने कर्जदार के छोटे से ऋण को क्षमा करने से इनकार करता है और उसे कारागार में डाल देता है। इसके इस प्रकार के व्यवहार से नाराज होकर राजा ने उसे हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया। जी हाँ, यदि हम अपने भाई को क्षमा नहीं करेंगे तो ईश्वर भी हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। यदि हम ईश्वर के द्वारा बिना शर्त क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने पड़ोसियों को क्षमा करना होगा। ईश्वर के क्षमा को अनुभव करने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। ये हमारी ख्रिस्तीय पहचान भी है। आज के सुसमाचार पाठ में पेत्रुस यीशु से पूछते हैं कि यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करता है तो कितने बार क्षमा करूं? वास्तव में देखा जाए तो यहूदी धर्म में 3 बार तक क्षमा करने का प्रावधान था। अतः पेत्रुस सोच रहा था कि 7 बार तक क्षमा करना उसकी उदारता का प्रतीक है, किंतु प्रभु यीशु उन्हें 70 गुना 7 बार क्षमा करने के लिए कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षमा देने की कोई सीमा नहीं होती है। क्षमा करने के लिए ना कोई मात्रा है और न समय, यह हृदय की उदारता है। हमारा हृदय ईश्वर के हृदय की तरह विशाल है, जहाँ सिर्फ दया भरा हुआ है, जो सिर्फ
दूसरों को देने के लिए है। प्यारे मसीही विश्वासियों, हम प्रभु की प्रार्थना में बारंबार कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। किंतु कहाँ तक हम इस प्रार्थना का पालन करते हैं, यह सोचने की बात है। सच्चाई तो यही है कि यदि हम क्षमा पाना चाहते हैं तो दूसरों को भी क्षमा करना होगा। प्यार पाना चाहते हैं तो दूसरों को भी प्यार करना होगा। अतः आइए इस चालीसा काल में हम प्रभु का अनुकरण करें, अपने विश्वास में दृढ़ बने। यदि किसी से मन मुटाव है, एक दूसरे के सामने आ नहीं सकते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें क्षमा मांगने और क्षमा देने की शक्ति प्रदान करे, ताकि हम अपने दुश्मनों एवं वैरियों से मेल मिलाप कर सकें और प्रेम, एकता, भाईचारा तथा सद्भावना का जीवन व्यतीत कर सकें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।